जवाहर नवोदय विद्यालय देश का वो जाना माना विद्यालय जहां हर साल लाखों विद्यार्थी फ्री में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए तो मानो यह किसी वरदान से कम नहीं। करीब 30 लाख से ज्यादा विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए हर साल फॉर्म भरते हैं और महज 48,800 विद्यार्थी इसमें सफल हो पाते हैं। वहीं आप जानते हैं कि पूरे भारत में कुल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जहां हर विद्यालय में छठी से लेकर बारहवीं तक की कुल 7 कक्षाएं होती हैं और हर कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी होते हैं और कुल एक विद्यालय में मैं अगर बात करूं तो 560 विद्यार्थी होते हैं। और अगर पूरे भारत के 661 जवाहर नवोदय विद्यालयों की बात करूँ तो कुल 370,160 विद्यार्थी हाल फिलहाल जवाहर नवोदय विद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जितनी आपको यह संख्या 370,160 ज्यादा लगती है, क्या उतना ही खर्चा जवाहर नवोदय विद्यालयों पर होता है? वेल, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय वर्सेज केंद्रीय विद्यालय वर्सेज जो भी अन्य सरकारी स्कूलें हैं और जो हमारा चंद्रयान 2 का जो मिशन है उनके बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करके आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं नवोदय विद्यालय का देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर बीएसएस। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वेल, आप जानते ही होंगे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में एक मिशन को अंजाम दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 2 के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत महज 965 करोड़ रुपए में चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन नवोदय विद्यालय पर हो रहे सालाना खर्च से आप 4 बार ऐसे चंद्रयान जैसे मिशन भेज सकते हैं। वेल, आप जानते ही होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में हुई थी। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय का सत्र 1991 से लेकर 1992 में कुल सालाना बजट 117.04 करोड़ रुपए था। वहीं यह बजट 2006 से 2007 में 1000 करोड़ को भी पार करते हुए 1117.9 करोड़ रुपए हो गया। वहीं मैं अगर बात करूं 2014 से लेकर 2015 के सत्र की तो यह बजट 2000 करोड़ को भी पार करते हुए 2082.68 करोड़ रुपए और 2017-18 में 3000 करोड़ को पार करते हुए 3365.18 करोड़ रुपए हो चुका था। वेल, सत्र 2018-19 में नवोदय का कुल बजट था 3164.77 करोड़ रुपए, जहां 169.39 करोड़ रुपए सत्र 2017-18 के बचे हुए थे। तो कुल मिलाकर 3423.40 करोड़ रुपए सत्र 2018-19 में खर्च हुए। और अगर औसतन प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष देखा जाए तो 370,160 विद्यार्थियों के लिए हर साल प्रति विद्यार्थी 92,484 रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, एक विद्यार्थी के ऊपर हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय 92,484 रुपए खर्च कर रहा है सत्र 2018-19 के बजट के मुताबिक। वेल, अब ये छोड़ो, अब उस विद्यालय की बात की जाए जिसका कंपैरिजन हर साल नवोदय विद्यालय से किया जाता है। वेल, मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय की। पूरे भारत में कुल 1196 केंद्रीय विद्यालय हैं, जहाँ 11 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अपना अध्ययन कर रहे हैं। वेल, बजट के नाम पर केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई खास फर्क नहीं है। केंद्रीय विद्यालय का सालाना बजट 3400 करोड़ रुपए हैं, लेकिन प्रति विद्यार्थी यह बजट महज 28,335 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष हो जाता है। वेल, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय के मात्र 370,160 विद्यार्थी हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में कुल 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं। वहीं अगर हम प्रति विद्यार्थी अगर हम सालाना बजट की बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय में यह 92,484 रुपए था, वहीं केंद्रीय विद्यालय में यह महज 28,335 रुपए हो जाता है। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों के विद्यार्थियों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में जितने भी विद्यार्थी
पहली कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनकी संख्या का ये सिर्फ 1% है, मतलब कि पूरे भारत में पहली से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट का 1% ही जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में है, बाकी का 99% गाँव के स्कूल में पढ़ता है या फिर शहरों की जो दूसरी स्कूल्स होती हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि पूरे भारत में पहली से लेकर 12वीं तक के कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 15,54,45,840 विद्यार्थी जो हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को छोड़कर किसी दूसरी स्कूल में पढ़ते हैं। और अगर पूरे भारत की बात की जाए जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और जो भी दूसरे स्कूल्स हैं उनको साथ में जोड़ा जाए तो पूरे भारत में कुल 15,70,16,000 विद्यार्थी हैं। तो क्या आप जानते हैं कि गाँव वाले विद्यार्थियों की जो स्कूल हैं उन पर उनके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है? वेल, यह बात तो आप भी जानते होंगे कि भारत में दो सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है किसी भी राज्य की राज्य सरकार। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का पूरा खर्चा, मतलब कि 100% केंद्र सरकार अपनी ओर से पे करती है। वहीं जो अन्य सरकारी स्कूलें होती हैं उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि जो अन्य सरकारी स्कूलें होती हैं उनमें केंद्र सरकार सिर्फ 1/4 भाग ही रुपए खर्च करती है। मतलब कि मान लीजिए किसी भी विद्यालय पर एक साल में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसका 1/4 भाग मतलब कि 25 रुपए ही सिर्फ केंद्र सरकार खर्च करती है, पीछे बचा हुआ 75 रुपए वहाँ की राज्य सरकार खर्च करती है। वेल, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को छोड़कर पूरे भारत में मैं अगर विद्यार्थियों की संख्या की बात करूँ तो होते हैं 15,54,45,840 विद्यार्थी। तो क्या आप जानते हैं कि इस एक विद्यार्थी पर सरकार कितने रुपए खर्च करती है? वेल, मैं आपको बताता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को छोड़कर जो दूसरे विद्यालय हैं उनका सालाना बजट है 50,000 करोड़ के आसपास। तो आप सोचिए, मात्र 50,000 करोड़ रुपए 15,54,45,840 विद्यार्थियों के लिए हैं। वहीं मैं अगर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष का अगर एक औसत ज्ञात करूं तो 3,000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ही खर्च हो पाते हैं। तो आप सोचिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी के ऊपर करीब करीब 1,00,000 रुपया हर साल खर्च होता है। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के ऊपर इतने पैसे खर्च होने के बाद इसका जो रिजल्ट निकलता है, जो आउटकम निकलता है, वो भी बेहतरीन है। जवाहर नवोदय विद्यालय देश के जितने भी विद्यालय हैं उनमें सबसे नंबर 1 पर रहता है। हर साल इसका जो बोर्ड का रिजल्ट रहता है वो 96% से भी बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। इसीलिए मैं हर किसी बच्चे के माता पिता से या फिर बच्चे से गुजारिश करता हूँ कि आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने की एक बार कोशिश जरूर कीजिए। हमारे YouTube चैनल All Rounder BSS ने एक मुहिम शुरू की है, आपके लिए फ्री में ऑनलाइन कोचिंग YouTube पर आपके लिए दी जा रही है, जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय का फुल कॉन्सेप्ट, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा दिया गया है, सारा कॉन्सेप्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। एक एंड्रॉइड ऐप भी आपके लिए हमने निकाला है जहाँ पर आपको फुल ट्यूटोर्स, फुल कॉन्सेप्ट, फुल हेल्प मिल रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय को एक साल के लिए भी बंद किया जाए तो हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान 2 के जैसे 4 मिशन को अंजाम दे सकती है। तो आप सोच सकते हो कि भारत सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है। वेल, यहाँ पर बात ये नहीं है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, बात ये है कि जो पैसा खर्च हो रहा है उससे क्या कोई अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। वेल, आज तक तो यही रिकॉर्ड रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय से निकला हुआ कोई भी विद्यार्थी अपनी लाइफ में सक्सेस ही रहा है और जवाहर नवोदय विद्यालय ने हर साल अपना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजने की
पूरी कोशिश करें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रश्न पूछना हो तो वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो के नीचे जय हिंद जय नवोदया जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे हमारी ऐसी ही नेक्स्ट खास इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।